नूरपुर के कस्बा जसूर में ब्लॉक समिति की जमीन पर बन रही दुकानों का स्थानीय लोग और निकटवर्ती पंचायतों के लोगों ने विरोध किया है। प्रदर्शन पर ब्लॉक खंड अधिकारी व प्रशासन पर तत्काल इस कार्य को रोकने की गुहार भी लगा रहे हैं। नूरपुर के कस्बा जसूर में ब्लॉक समिति की जमीन पर बन रही दुकानों का स्थानीय व निकटवर्ती पंचायत के लोगों ने यहां चल रहे निर्माण कार्य का विरोध किया है और प्रदर्शन कर ब्लॉक खंड अधिकारी व प्रशासन को तत्काल इसे रोकने की गुहार लगाई है। स्थानीय लोगों के अनुसार पिछली सरकार ने यहां लगभग 40 लाख की लागत से सामुदायिक भवन के निर्माण किया गया था ताकि जसूर व सात की 5 से 7 निकटवर्ती पंचायतों के आर्थिक रूप से निर्धन लोग यहां विवाह शादियों का काम संपन्न कर सकें। इसके अलावा प्रशासन ने यहां बाजार के कस्बे में काम कर रहे मैकेनिक आदि लोगों को ट्रैफिक समस्या के चलते दुकान मुहैया करवाई थी ताकि यहां लोग अपने यहां पर काम करके अपना जीवन व्यतीत कर सकें, लेकिन यहां बन रहे बेमर्तबा दुकानों की वजह से इन लोगों के अलावा लोगों को विवाह शादी का कार्य संपन्न करवाना मुश्किल हो गया है। रास्ते के अभाव व पंडाल आदि ना लगाए जाने से यहां विवाह शादी के कार्य नहीं हो पाए हैं। इसके अलावा जसूर में स्थल पर दशहरा राजनीतिक सभाएं हुआ करती थी जो कि इन दुकानों के निर्माण के चलते अतीत की बात होकर रह गई है। मैं ये सभी को सरकार को और ये जितना भी विभाग है सबको ये उनको याद दिलाना चाहता हूँ कि ये जो कम्युनिटी हॉल बना था ये लोगों को गरीब लोगों की शादी बच्चों की शादी के लिए लोगों को ये सुविधा दी गई थी और ये जो जगह खाली रखी गई थी ये उसी लिए था कि यहाँ पे लोग जो हैं वो अपनी सुविधा अनुसार यहाँ पे लड़कियों की शादी कर सकें और कोई भी फंक्शन कर सकें, जैसे कोई सीएम का प्रोग्राम होता है, जैसे किसी भी पार्टी का या किसी का भी लोकल फंक्शन होता है, दशहरा वगैरह होता है, ये ग्राउंड उसके काम आती थी और लोग यहाँ पे अपने छोटे मोटे प्रोग्राम करते थे। और ये जो दुकानों की होड़ चली है, इस दुकानों के बढ़ने से ये सारा जितना भी कॉम्प्लेक्स था ये सारी इसकी सारी रौनक ख़त्म हो जाएगी। और ये ब्याह शादी के लिए यहाँ गाड़ियाँ वगैरह लगाए लेके आते थे, उनको लिए खड़े करने के लिए बड़ी सुविधा होगी, तो लोग बड़े आराम से यहाँ पे फंक्शन कर लेते थे और अपने थोड़े से पैसे से चंदा दे के वो अपना बड़ा अच्छा फंक्शन कर लेते थे। तो अब इसके ये दुकानें बढ़ रही हैं, हमें नहीं ये अपनी दुकानें ना बनाए, दुकानें बनाए जो इसको डबल स्टोरी दुकानें बना लें, ये जरूरी थोड़ी है कि जो जगह खाली पड़ी है उसी को सारी को कवर कर लेना है। मेरी यही अनुरोध है कि जो अपना विभाग इसकी ओर ध्यान दे और इसका ठीक तरह से हाथ निकाले। ये बहुत सोहना उपराला किया गया सी कि इत्थे पार्किंग दा नंबर 2 कम्युनिटी सेंटर जड़ा छोटे मोटे कोई फंक्शन ऑर्गेनाइज पोलिटिकल जान गरीब बंदा कोई जिथे मैरिज पैलेस च नहीं कर सकता इत्थे कर सकता, कोई ब्याह शादी कोई जीण मरन हर तरह के फंक्शन लई ये ठीक सी। पर ब्लॉक वालों हुण जड़ा नवा होड़ आई है कि इत्थे कमर्शियल कंपलैक्स बनाया जा रहा वो बंद किया जाए, तो यो ही साड़ी एडमिनिस्ट्रेशन नो अपील है कि पैसे इत्थे ब्लॉक करने वाली गल है ना कि किसी का सुधार होने वाली। खंड विकास अधिकारी ओपी ठाकुर से जब बात की गई तो उन्होंने बताया कि घटनास्थल पर जाकर स्थिति का मुआयना किया जाएगा। देखिए जैसा कि आपको पता है कि जसूर में जो पंचायत समिति की लैंड है वहाँ पे दुकानों का निर्माण कार्य चला हुआ है और जैसा आप कह रहे हैं कि भी ग्राउंड के रास्ता बंद हुआ है, वैसे तो वो ग्राउंड जो है पंचायत समिति का प्रॉपर्टी है। तो इसमें जो है मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि लोगों की सुविधा के लिए उस एरिया को जो है डेवलप किया जा रहा है। बाकी जो आप जो अभी का घटनाक्रम बता रहे हैं उसके बारे में मुझे अभी आपके माध्यम से ही सूचना मिली है, तो मैं चाहूँगा कि किसी व्यक्ति को मौके के ऊपर भेज के स्वयं वहाँ पर जा करके मैं इसका एक बार जायजा करूँ, उसके बाद ही जो इसमें कुछ मैं और कह पाने की स्थिति में। कार्यक्रम में एक बार फिर वक्त हो गया है ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद।